हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों की फेवरेट आलू प्याज की भुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि हम सलाद के साथ डेकोरेट करके दिखाएंगे। ये 5 मिनट में बनने वाली सब्जी है और बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सब्जी है। चाहे तो आप लंच बॉक्स में दें, चाहे तो आप रोटी पूरी पराठे से खिलाएं। तो चलिए इस रेसिपी को हम फटाफट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाही में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पे हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, क्योंकि आलू प्याज की भुजिया सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। आपको जो तेल पसंद हो वो तेल डालिए। इसमें हम डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे हम 1/4 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। तेल में हम जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं अपने तेल में जीरा चटकने लगा है। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च, 2 बड़ा प्याज को पतला पतला काट रखा है, हम तेल में छोड़ देंगे। और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, हमें ज्यादा नहीं ब्राउन होने देना है। हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें आलू डालेंगे। आप देख सकते हैं अपना प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। इसी स्टेज पे हम आलू का जो भुजिया काट के रखे हैं उसे डाल देंगे और प्याज के साथ ही हम इसे भूनेंगे। ये बच्चों का फेवरेट सब्जी है, हमें इसमें ज्यादा मसाला भी यूज नहीं करना है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है। तो इसमें हम डालेंगे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और हल्की सी तीखी बनानी है तो हम कलर वाली मिर्च डालेंगे, यानी कि शिमला मिर्च। और नमक के बिना आलू जल्दी पकता नहीं है, तो हम स्वाद के अनुसार नमक भी अभी ही डाल देंगे। सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी ही अपनी भुजिया की कलर कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे कवर करते हुए और 10 मिनट तक पका लेना है, यानी कि जब तक आलू पक जाए। ध्यान रहे बीच में 2-2 मिनट भी हमें चला देना है, नहीं तो ये जल जाएगा। चलिए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल इसमें पानी नहीं डाला है, एकदम तेल पे ये पका हुआ सब्जी है। कलर कितना मस्त आया है। तो हम एक आलू तोड़ के आपको दिखाएंगे पका है या नहीं। अच्छे से अपनी आलू पक चुकी है, फिर भी हम इसे 2 से 4 मिनट और ढक के पकाएंगे, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। जितना ही पकेगा अच्छा, उतना ही अच्छा स्वाद होगा। तो चलिए हम 2-4 मिनट और ढक के पका के इसकी प्लेटिंग दिखाते हैं। 4 मिनट हो चुका है, चलिए अपनी भुजिया चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा अपना तेल सब्जी से अलग होने लगा है, आलू भी अच्छे से पक चुका है। इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बच्चों की फेवरेट आलू प्याज की भुजिया बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो आलू प्याज फ्राई हो तो अनहेल्दी माना जाता है, बच्चे सलाद ऐसे खाते नहीं हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर, काकड़ी, प्याज को सलाद के रूप में काट रखा है। इसके बीच में हम रखेंगे अपनी सब्जी, जिससे कि बच्चों को हेल्दी भी हो जाए और स्वाद भी आए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बच्चों का फेवरेट आलू प्याज का भुजिया बनके तैयार है। इसे बच्चे रोटी, चपाती, पूरी या चावल दाल के साथ बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे बच्चे पसंद करते ही हैं। आप अपने भी घर में अपने बच्चों के लिए बनाइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।